देखो एग्जाम स्टार्ट कर दिया अभी। अभी क्वेश्चन पढ़ो जरा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट को कितना करने का है? 0.75 ना मार्जिन चेंज करने का है। देखो मार्जिन के लिए कितने जाने का, देखो जरा मार्जिन ऑप्शन रहेगा तो कितने जाओगे? पेज लेआउट लिखा है इधर, पेज लेआउट। पेज लेआउट में किसके ऊपर जाने का है? पेज सेटअप। पेज लेआउट में कितने जाओगे? पेज सेटअप। लेकिन ये कौन सा बोला है अभी? लेफ्ट राइट मार्जिन बोला है ना, लेफ्ट राइट मार्जिन बोला रहेगा तो इधर से लेने का। पेपर साइज बोला रहेगा तो पेपर में लेने का। लेकिन हेडर और फुटर मार्जिन बोला रहेगा तो कितने जाओगे? लेआउट के ऊपर जाने का है, समझेगा। ओरिएंटेशन बोला रहेगा तो इधर से ले सकते हो। अभी कौन सा मार्जिन बोला है? लेफ्ट मार्जिन कितना बोला है? 0.75। तो लिखो इधर डायरेक्ट, कितना लिखा? 0.75। बाद में क्या करोगे? ओके इसको क्या करोगे? इग्नोर कर दो और क्या करोगे? सबमिट। आ गया। कलर का क्वेश्चन देखो कैसे करने का है। क्या है क्वेश्चन पढ़ो जरा। चेंज द टेक्स्ट कलर, किसका टेक्स्ट कलर चेंज करने का है? सेकंड वर्ड ऑफ सेकंड सेंटेंस, मतलब दूसरे सेंटेंस का दूसरा वर्ड, उसको कलर कौन सा देने का है? ग्रीन कलर देने का। कौन सा आएगा दूसरे सेंटेंस का दूसरा वर्ड? THN आएगा ना, उसको कलर चेंज करने के लिए कैसे जाओगे? देखो हाईलाइट कलर बोला रहेगा तो इधर से लेने का। ये लिखा हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर या फिर फॉन्ट कलर बोला रहेगा तो कैसे जाओगे? ये लिखा फॉन्ट कलर। और बैकग्राउंड कलर बोला रहेगा तो कैसे जाओगे? पेज लेआउट में पेज कलर, समझेगा। तीन टाइप का कलर। अभी होम में जाते हैं, इधर टेक्स्ट कलर बोला है, लेकिन कलर सिलेक्ट कौन से करोगे? सिर्फ लास्ट वाले लाइन में देखने का है, समझे। कौन सा कलर बोला है? ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन है। नाम देखने का पहला लिखा है तो ग्रीन कलर, बाद में बाहर क्लिक करो एक बार। क्या लिखा है? चेंज द फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट बोला रहेगा तो सभी क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे। देखो चेंज द फॉन्ट इफेक्ट, किसका फॉन्ट इफेक्ट चेंज करने का है? फिफ्थ सेंटेंस टू डबल स्ट्राइक थ्रू ना, पूरे सेंटेंस बोला तो इधर से पूरा सिलेक्ट करो, ये फुल स्टॉप भी सिलेक्ट होना चाहिए। और उसको कौन सा बोला है? डबल स्ट्राइक थ्रू। तो फॉन्ट इफेक्ट किधर मिलेगा आपको? ये लिखा है फॉन्ट के ऊपर, होम में ही जाने का है। फॉन्ट किधर? डबल स्ट्राइक थ्रू लिखा है, ये लिखा है डबल स्ट्राइक थ्रू। सभी इफेक्ट इधर ही मिलेगा, फॉन्ट इफेक्ट बोला रहेगा तो। और ओके कर दे। देखो इधर आ गया क्वेश्चन, पेज बैकग्राउंड का। क्या है क्वेश्चन पढ़ो जरा। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड चेंज करने का है, क्या करने का उसको? वाइट मार्बल टेक्सचर बोला है ना, टेक्सचर में कौन सा लेने का हमें? वाइट मार्बल। तो पेज लेआउट के किधर, पेज बैकग्राउंड के लिए किधर जाते? पेज लेआउट, पेज कलर आ गया। उसके बाद किसके ऊपर जाओगे? फील इफेक्ट, सिर्फ कलर बोला रहेगा तो इधर से मिल जाएगा आपको। अभी फील इफेक्ट के ऊपर जाते, फील इफेक्ट में जाने के बाद कौन सा लाओगे? टेक्सचर बोला रहेगा, टेक्सचर पैटर्न बोला रहेगा तो पैटर्न, पहले टेक्सचर के ऊपर जाते। कौन सा टेक्सचर बोला है? वाइट मार्बल, तो इधर नाम शो करता है ना, लेकिन एक एक ढूंढते नहीं बैठने का। क्या करोगे? पहले टेक्सचर के ऊपर क्लिक करो, फिर कीबोर्ड के ऊपर देखो चार एरोज दिख रहे, चार एरोज है ना कीबोर्ड के ऊपर, उसमें से कौन सा एरो दबाने का? राइट एरो दबा दो तो आपको नाम मिल जाएगा आगे वाला। कौन सा बोला है? वाइट मार्बल, देखो आ गया। और क्या करोगे? ओके। क्या बोला है? फ्रॉम द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ वर्ड मतलब पांचवा वर्ड किसका? फर्स्ट सेंटेंस का। और उसको क्या करने का है? टॉगल केस, मालूम है टॉगल केस क्या रहता है? चेंज केस रहता है ना, अपर केस लोअर केस। लेकिन कौन सा वर्ड आएगा? फिफ्थ वर्ड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, कौन सा आएगा फिर? विच। चेंज केस ऑप्शन किधर रहता है? ये लिखा है चेंज केस, समझेगा। ऑप्शन का नाम याद रखने का है। और उसमें कौन सा लोगे? टॉगल केस। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पढ़ो जरा क्या लिखा। देखो इधर नीचे का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अगर नीचे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे? ये दिख रहा है एरो इधर, इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे का क्वेश्चन दिखेगा। क्या बोला? इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट
एड अ टेबल ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम, मतलब टेबल लेने का, उसके अंदर रो कितने होने चाहिए, 3 रोज, और कॉलम कितने होने चाहिए, 3 कॉलम, बराबर है। और उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा देने का है, सॉरी बाद में बैकग्राउंड कलर क्या देने का है, ऑरेंज ना, लेकिन किसको ऑरेंज कलर देने का है, सेकंड सेल, किसका सेकंड सेल, फर्स्ट रो का ना। तो देखो पहले टेबल लेते हैं इधर से, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, कितना रोज बोला है, 3 रोज 3 कॉलम आया। अभी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है किसका, सेकंड सेल और फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो ये हो गई ना, तो उसमें सेकंड सेल कौन सी आएगी, ये वाला, बराबर है। लेकिन आपको इसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंदर एक बार क्लिक करके रखा तो भी चलेगा, क्लिक किया सिर्फ इसके अंदर। अभी कलर चेंज करने के लिए कितना हो गए, डिज़ाइन, बाद में शेडिंग, और कौन सा कलर लोगे, ऑरेंज कलर, ड्रॉप कैप, ये वाला भी क्वेश्चन आता है, देखो पढ़ो जरा क्या लिखा है, अप्लाई ड्रॉप कैप इन मार्जिन इफेक्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस ना, तो फर्स्ट सेंटेंस सिलेक्ट करो, ड्रॉप कैप किलर किधर मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, क्या लिखा है इधर, इंसर्ट, इंसर्ट में कौन सा क्वेश्चन रहता है, देखो एक तो हाइपर लिंक भी रहेगा इधर, समझे ना, जिस वर्ड को हाइपर लिंक देने का है उस वर्ड को सिलेक्ट करने का, देखो ये वाला क्वेश्चन रहता है, कीबोर्ड को हाइपर लिंक देना रहता है, तो कीबोर्ड को सिलेक्ट करो, हाइपर लिंक दो, या फिर कभी कभी बोला रहता है बुक मार्क देने का, तो बुक मार्क के लिए सबको सिलेक्ट करो, ये लिखा था बुक मार्क। अभी क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस को ड्रॉप कैप इफेक्ट, तो इंसर्ट में क्या मिलेगा, ये लिखा है ड्रॉप कैप, लेकिन ड्रॉप कैप में उन्होंने क्या बोला है, इन मार्जिन, ये लिखा है इधर इन मार्जिन, समझेगा। देखो अभी क्वेश्चन, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का किसका, सेकंड सेंटेंस का, कौन सा फॉन्ट स्टाइल देने का है, बोल्ड और डबल अंडरलाइन, कैसे करोगे, फिर सेकंड सेंटेंस को सिलेक्ट करो, कर दे सेकंड सेंटेंस को सिलेक्ट, फॉन्ट स्टाइल के लिए किधर आ गए, इधर से बोल्ड ले लिया, लेकिन डबल अंडरलाइन किधर से, इधर से लिया तो भी चलेगा, दिख रहा है अंडरलाइन, इधर से क्या लोगे, डबल अंडरलाइन, अब बाद में क्या करोगे, समझेगा। क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेकंड सेंटेंस, पूरा सेकंड सेंटेंस को बोला है ना, साइज कितना करने का, फॉन्ट साइज 14, और उसको क्या करने का आगे, फॉन्ट का नाम क्या देने का है, एरियल, ये लिखा है इधर आगे एरो, समझे ना, फॉन्ट नेम बोला रहेगा उधर से लेने का, उधर से कौन सा लोगे, एरियल आ गया, ये क्वेश्चन तो आएगा आपको, टॉप मार्जिन का, मार्जिन दिखा था ना किधर से, पढ़ो क्वेश्चन, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज बैकग्राउंड टू बकेट, बकेट टेक्सचर बोला ना, बैकग्राउंड मालूम है ना कैसे लेते, और बाद में क्या बोला, इंसर्ट टॉप एज अ हेडर एंड एंड एज ए फुटर, पहले बैकग्राउंड लेते किधर से मिलेगा, पेज लेआउट, पेज कलर, फील इफेक्ट, टेक्सचर, मैंने क्या बोला था, पहले टेक्सचर के ऊपर क्लिक करो, बाद में क्या करने का, एरो दबाने का कीबोर्ड के ऊपर का, कौन सा बोला है, बकेट टेक्सचर ना, दिख रहा है इधर आ गया। और हेडर फुटर के लिए किधर जाओगे, इंसर्ट में आने का, इंसर्ट क्या लिखा है, हेडर है ना, और हेडर देने का तो किधर जाओगे, एडिट हेडर, अभी उसमें क्या हेडर देने के लिए बोला है, टॉप, तो टी कैपिटल लिखने का, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का लिखने का, बोल रहे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखने का, और फुटर में क्या देने के लिए बोला है, एंड, तो किधर जाओगे वापस, इंसर्ट फुटर, एडिट फुटर आ गया, इसमें क्या लिखोगे, एंड करके लिखने का, बाद में क्या करोगे, जैसे क्लोज हेडर एंड फुटर, बाद में क्या करोगे, सबमिट आया। चेंज केस बोला है ना, चेंज केस मालूम है आपको किधर है। अभी आगे वाला क्वेश्चन देखो, अभी इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, फॉन्ट कलर का क्वेश्चन किया था, अभी ये कौन सा बोला है, हाईलाइट कलर, किसको, सेकंड सेंटेंस, ये ना सेकंड सेंटेंस को हाईलाइट करने का है,
और कौन सा लेने का, हाईलाइट कलर 50% ग्रे, तो हाईलाइट कलर किधर रहता है, ये लिखा था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और देखो ये वाला नाम रहेगा ग्रे 50%, समझे ना, इसका नाम क्या है ग्रे 25%, तो ये सभी नाम देखने का किसका नाम किधर है, वो ये लिखा ग्रे 50% और सबमिट करो। हाँ ये देखो इधर पूरा नहीं दिख रहा ना, तो आप इधर एरो करके देख सकते हो। क्या बोला है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग चेंज करने है किसका, सेकंड वर्ड ऑफ थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस का सेकंड वर्ड कौन सा आएगा, इज ना, उसको कौन सा देने का है, कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या देने का, देखो एक्सपांडेड बाय कितना देने का है 1.5 पॉइंट, और कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल कितना देने का है 80%, तो किधर मिलेगा, होम में जाने का है, ये लिखा इधर फॉन्ट, और फॉन्ट में किस में जाओगे, एडवांस, फॉन्ट में किसके ऊपर जाने का है, एडवांस, एडवांस में आने का, दिख रहा है इधर स्केल कितना लोगे 80%, और स्पेसिंग दिख रहा है इधर क्या लोगे, इधर से एक्सपांडेड कंडेंस जो बोला रहेगा वो लेने का, एक्सपांडेड कितना बोला है 1.5 पॉइंट, इधर एडवांस में जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ओके करो इसको, बाद में सबमिट करने का है, हो गया। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट अप्लाई बुलेट टू फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस को बुलेट कौन सा अप्लाई करने का है, नन मतलब उसके बुलेट हटाने का जो अप्लाई किया हुआ है, किसको, फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट कर दिया, ये लिखा था बुलेट से नंबरिंग, इधर से ऑन है ना, इधर से दिया तो चलेगा, इसके बाद जाके क्या कर दोगे, नन करने का है, अप्लाई करना रहेगा तो इधर से अप्लाई करने का, ये मार्जिन लेफ्ट राइट अलाइनमेंट दिया है, लेफ्ट सेंटर राइट, देखो रिप्लेस करके क्वेश्चन आया, ये भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्या बोला है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस ऑल मशीन, मशीन को रिप्लेस करने है, किसी रिप्लेस करोगे, रोबोट से ना, तो रिप्लेस के लिए किधर ऑप्शन दिया है, लिखा इधर रिप्लेस करके, किसको रिप्लेस करने का, मशीन तो पहला मशीन लिखने का, इन्वर्टर कॉमा के अंदर वाला लिखने का, और उसके क्या आएगा, बाद में क्या करोगे, रिप्लेस ऑल करने का है, और क्या करोगे इधर से, ओके करो और अगेन क्लोज करने का है। देखो इधर क्वेश्चन क्या लिखा है, इंसर्ट बुक मार्क फॉर ऑल द टेक्स्ट, ऑल द टेक्स्ट मतलब सभी टेक्स्ट को अप्लाई करने का, और क्या नाम देने का उसको, हेलो ना, सभी टेक्स्ट बोला है तो सिलेक्ट कैसे करोगे, कंट्रोल बटन दबा के ए दबा दो तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, बाद में क्या जाओगे, इंसर्ट क्या लिखा है इधर, बुक मार्क, और क्या लिखोगे इधर, लिख दिया, बाद में क्या करोगे, ऐड करोगे, समझेगा इतना,